मैं थोड़ा 117 बंदे की लिस्ट दे सकता। घुग्गी साडा जरनैल, प्रगट सिंह साडा जरनैल, लखा सधाणा साडा जरनैल, सरबजीत चीमा साडा जरनैल, होर गणाओ किन्ने तुसीं जरनैल। अपने अपने इलाके चो बंदा कढो, सारे ने सीएम तो नहीं बनना। ना मैं कोई लीडर हाँ, ना मैं कोई इलेक्शन लड़नी है, ना मैनू कोई कुर्सी चाहिए है। मैनू सिर्फ गुरु घर ताला साहब तो बाबा दर्शन सिंह जी ने थापड़ा दे के तोड़िया है, पर कहा सी कि गुरु घर ने पुत्रा ते तो बहुत अजे सेवावां लैनियां ने, पंजाब की धरती का बोझ भी तेन चलना पैना है। जब तक मैं पिका ना था, कोई पूछता ना था, हे अकाल पुरख तूने खरीद के मुझे अनमोल बना दिया। मेरा बचपन का यार है किरणवीर कंग, बड़िया मत्तां मैनू दिंदा है, बड़ा वड्डा जोधा जरनैल है। आखिर तू इन्ना तत्ता ना बोलिया कर, तो मेरे नाल ज्यादा तत्ता आप है, इन्हें मैं बुलाना स्टेज ते। गज बज के सारे मेरे नाल फतेह बुलायो जे, अंतर ध्यान हो के अपनी रूह नूं अकाल पुरख नाल जोड़ियो, अखां बंद करियो ते महान शख्सियत दा मैं नाम लैण लग्गिया। मेरे पिता जी योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी दी फतेह सारे कबूल करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद कर देना बड़ा छोटा शब्द है, मैं केड़े शब्दों नाल उस अकाल पुरख का धन्यवाद करा, गुरु घर का धन्यवाद करा, शहीदों का धन्यवाद करा, इस पवित्र धरती आनंदपुर की धरती का धन्यवाद करा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पिता जीओ, मैं थोड़े घर के कूकरां का कूकर भी नहीं, पर तुसी मैनू इस योग बनाया कि मैं थोड़ी संगत के सामने चार शब्द कह सकां। आप जी की वडियाई है गुरु नानक, सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। किदा किदा मैं ना लवां, मेरे भरा, मेरे सज्जन, मेरे मीत जिन्होंने हर वक्त मेरे नाल मोढ़े ना मोढ़ा ला के पिछले 9-10 महीनों तो चलते आ रहे ने, इन्ना प्यार, इन्ना सत्कार, इन्ना माण दिता है, जिदे में योग तो नहीं पर थोड़े चरणों में मेरा सिर झुकदा, थोड़ा बहुत 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 धन्यवाद। तुसी इस गरीब नू इस योग समझिया कि मैं अकाल पुरख की साजी वाजी नवाजी, ये जिहड़ी जनता है, फौज है, गुरु दा लाल, गुरु दे प्यारे, गुरु दे सज्जन, उन्हां दे मूहरे खड़ के कुछ कह सका। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ गुरु घर का होका दे रहा। ना मैं कोई लीडर हाँ, ना मैं कोई इलेक्शन लड़नी है, ना मैनू कोई कुर्सी चाहिए है। मैनू सिर्फ गुरु घर ताला साहब तो बाबा दर्शन सिंह जी ने थापड़ा दे के तोड़िया है, और कहा सी कि गुरु घर ने पुत्रा ते तो बहुत अजे सेवावां लैनियां ने, पंजाब की धरती का बोझ भी तेनू चलना पैना है। मैं वो आशीर्वाद लैके थापड़ा लैके थोड़े लोगों के विचरदा रहा, 9-10 महीने हो गए। मेरे घर के भी मैनू सवाल पूछते है, दोस्त भी सवाल पूछते है, रिश्तेदार भी पूछते है, इस उम्रे तू करदा की फिरदा, तेनू रब ने सारा कुछ दिता है, बड़ी सोहनी तेरी जिंदगी है, तू की स्यापा गल पाया है। मैं क्या स्यापा नहीं,
ये पंजाब की धरती की वो खुशबू है जिहड़ी मेरे गुरुआं पीरां ने अकाल पुरख महाकाल ने ऋषियां मुनियां ने साजी नवाजी है। तो मैं उस धरती का एक छोटा जिहा जर्रा और उस जर्रे नूं उस अकाल पुरख ने एडा वड्डा बनाता कि जब तक मैं बिका ना था कोई पूछता ना था, जब तक मैं बिका ना था कोई पूछता ना था, हे अकाल पुरख तूने खरीद के मुझे अनमोल बना दिया। मेरी की औकात कि मैं कुछ कहां, मेरी की औकात कि मैं थोनू दसा, मावां भैणां नूं धीआं नूं कुछ कहां। मैं तो आप उस गुरु घर के कुकरां दा कुकर हां जिहनूं शायद चंगी तरह भौंकना भी नहीं आउंदा, लेकिन हाँ इश्क ते प्यार जज्बा मेरे खुदा ने मैनूं सुनाया है। और छोटी जी गल मैं थोड़े नाल गुरुआं दी गल करनी है, पीरां दी गल करनी है ते प्यार दी गल करनी है। भाई नंद लाल जी का दसवें पातशाह नाल बहुत प्यार सी, रोज़ उन्हां दी रोटी लैके जांदे सी, पातशाह जी बह के रोटी खांदे सी तो देखदे रहिंदे सी टुकर टुकर करके कि वाह क्या मुजस्मा अल्लाह ने भेजा धरती ते, क्या खूबसूरत, क्या नूर, क्या इलाही, क्या फरिश्ते, क्या खुदाई, ऐसा रूप ऐसा शख्स देखते रहते। एक दिन रोटी लेके गए ते महाराज ने बुरकी मूँह च पाउण लगे ते सामने एक कुत्ता टिले ते आके बह गया। गल नूं फड़ लियो जे जे थोड़े समझ आ जाए ते बादशाह ने चक के रोटी कुत्ते दे मूँह च पाती, कुत्ते ने रोटी चकी ते चला गया। भाई नंद लाल जी ने बर्तन चके गए ते जाके पब्बा मार के रोण लग, तां मार के रोण लग। अगले दिन एक सिंह रोटी लेके गया, गुरु साहब ने पूछया भाई की गल है अज नंद लाल जी नहीं आए। सुन ला काका तेरे काम दी चीजें, जे गुरु तो बेमुख हो ता ही यह हाल है ना, सुन मैं की कह रहा। ते ओ कहते भाई नंद लाल जी किथे, कहते जी पता नहीं कल तो बड़े उदास ने, बरोटे थले बैठे रोई जाते। गुरु महाराज कहते मैं आप जाना। वो गए भाई नंद लाल जी नू देखिया जार जार रोंदे, गल ना लाया, कहन लगे नंद लाल मेतों की गलती हो गई, मेरे प्यारिया मेतों गलती की हो गई है, अज तेरे बगैर रोटी नहीं चंगी लगी, ये प्यार मुहम्मद मुजस्मा जी की तू गल करदा सी की हो गया है। नंद लाल जी ताहा मारदे रोंदे कहिंदे ने गुरु महाराज बड़े साल हो गए तेरे नाल तेरे इश्क दे विच भिजिया, और मेरे नालों तां कुत्ता चंगा जिन्हों तू अपनी बुरकी देती है, मैं तां तेरिया जूठियां थालियां चट्टण जोगा भी नहीं। ये प्यार है, इश्क है गुरु नाल, ये प्यार तुसी सारे भुले फिरदे हो। मैनू बड़े मेरा बचपन का यार है किरणवीर कंग, बड़िया मत्तां मैनू दिंदा, बड़ा वड्डा योधा जरनैल है। आखिर तू इन्ना तत्ता ना बोलिया कर, तो मेरे ना ज्यादा तत्ता है आप है, इन मैं बुला स्टेज पर हूं। मैं वो होका दिंदा दिंदा जब पहली रैली की मोगे, भाई जी बैठे सलीना जी थोड़े याद होगा, उदन नवजोत सिंह सिद्धू ने आना सी, अज खोलन लग्या पढ़ते, उदन राहुल गांधी भी आ गया, उन्होंने उत्थे जाना पै गया। उस पंडाल दे विच थोड़े याद होगा सारे सज्जन बैठे है, बजुर्ग बैठे से इहो जी, आ थोड़े चरणा च प्रणाम बजुर्ग, क्या रूप है क्या बात है। दस बारह जवान बैठे सी, चीमा साहब टैलीफोन फड़िया उन्हों का,
तो बोलते बोलते बाहर निकल जाते, कदे अंदर आ जाते, देखते भी बाबा की बोली जाता। मैं क्या भी कमाल होगी, मैं बाबा जी को टाला साहब फिर चला गया। मैं क्या जी मैनू केड़े यब खाने तुसी पाया, ना मैनू बोलना आता ना चलना आता, मेरे जूह मोह चाहता, मैं बोली जाना तो इतने लोग कदे इधर तुरते कदे उधर तुरते। तो बाबा जी मैनू कह लगे सच का होका उच्ची बुलंद आवाज देना, सच सच की है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच वाहे गुरु। आ कहना जितन तेरा पैरा झूठ से होया गुरु घर तेरा सिर वट देगा जा। मैं जब नौजवानों नु देखता सी तो मेरे ऐ लगता सी भी इन्हों अपना पिछोकड़ याद नहीं, इन्हों नु पता ही नहीं है कौन ने, इन्हों दे बापू दादे पड़दादे कौन ने, कुछ नहीं पता। हिंदुस्तान दे इतिहास का नहीं पता, गजनबी कौन सी, तमूर कौन सी, हिमायूं कौन सी, बाबर कौन सी, औरंगजेब कौन सी, अहमद शाह बदाली कौन सी। मैनू मुंडे पुछदे ये बापू जी कौन सी, मैं कहा हाँ मेरी भूआ दे पुत सी सारे, थोड़ा कसूर नहीं, थोड़िया मावां ने थोड़े बापू जी ने थोनू सिखाया ही नहीं कि मां की कुख च बच्चा होवे। माता सुनी मां की कुख च बच्चा होवे ते की आखे वाहेगुरु। मैं तो जोधे पैदा किवें हुंदे है वाहेगुरु वाहेगुरु, पैदा होने तो बाद की आखदी मां, कह मम्मी कह बीबी कह बापू, नहीं 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 कह वाहेगुरु। बच्चे नू पहला अल्फाज कह वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। याद रखना वो बच्चा जेड़ा अपने मुंह चो अपने मुख के द्वार चो वाहेगुरु कहेगा वो जोधा पैदा होएगा, जरनैल पैदा होएगा। ये पढ़ाई किथे गई है नहीं, 1300 साल बीत गए गुलामी नू हिंदुस्तान दी नू, मुगलों की जड़ नहीं पट्टी गई। ठीक है गल, जड़ नहीं पट्टी गई। ते फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू इस पवित्र धरती ते सिखी क्यों सजनी पई, इस सवाल मैं थोनू पूछदा। सिख कौम खालसा वाह, देखो तो सही क्या रूप है क्या गल है। वैसे सिर चुकदा है अकाल पुरख का रूप है। अकाल पुरख का रूप क्यों है, बाबा जोरावर सिंह जी अपने पिता के नाल परिवार के नाल बैठे, सिंघा ने सवाल किया क्यों चले गए ना उठ के आ रौला, सिंघा ने सवाल किया कि महाराज महाकाल की शक्ल कैसी है, अकाल पुरख कैसा है। गुरु साहब ने सिर चुका लिया, ये मैं नहीं दस सकता। चारे साहबजादे ने सिर चुका लिया, बाबा जोरावर सिंह जी उठे, इसे आनंदपुर साहब की गल है, जंगलों च जाके चौकड़ा मार लिया, अकाल पुरख ने बिरती ला ली, तो सवाल किया कि पिता जी हे महाकाल अकाल पुरख दातार पिता, सवाल पाया मेरे पिता जी ने, सिंघा ने जवाब तुहानू देना पैना है।
सोने की पालकी दे विच सवा लख शहीद अकाल पुरख का रूप लेके आया, नीला बाणा कड़ा दस्तार रूप जिहड़ा आपां देखदे आं। बाबा जोरावर सिंह जी उहनूं पा के दगदा करदा चेहरा ते विचों निकले, ते पहली बार होया कि एक पिता ने अपने सपुत्र दे सामने सीस झुकाता। अकाल पुरख दा रूप बना के फौज खड़ी कीती और मुगलां दा सर्वनाश कीता, क्योंकि वह एडे वड्डे एडे औलिए सी, उन्हां दा मुकाबला करन वास्ते एक एहो जी फौज बनाउणी पई जिहदा सिद्धा लिंक अकाल पुरख दे नाल सी। इस करके यह कहानी सुनाई, अंग्रेजा की गल की, नौजवानों यह भी किया थोड़े प्यो की पग लीरो लीर की पई है। सियासतदाना ने जुल्म करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के रहनुमा ने थोड़े पड़दादे की पग पुछदी है, आ पुत्रो आ मेरी इज्जत किस दिन चक के मेरे सिर ते रखोगे, पंजाब की धरती की मां भी पुछती है, आ मेरी चुन्नी लीरों लीर करती इन्होंने, ये सियासतदानों ने लुट के खा गए, लहू लुहान करती मेरी, एक कद कद मेरी इज्जत टकोगे। शायद नौजवानों के हिक च जाके वजे है बरछा कि बुढ़ा कहिंदा की है। कणकवाल की रैली हुई, 70,000 बंदा, 50-60,000 नौजवान ठाटा मार दी जवानी, पग्गां पन्नियां दाड़े आड़े शरीर ऐदा करके मेरे वाल देख रहे थे, मैं बोल रहा सी। उदों उन्होंने सौ खाधी के बापू अज तो बाद अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने गुरुआ का हर चीज याद रखांगे और तेनू वचन दिने कि जब तक असी जिउने आ साडियां आउण वालियां नसलां पंजाब की धरती का बाल बिंगा नहीं कर सकणगियां। उदन मैनू यकीन होया और उहदा सिट्टा इह सारे सिंगरां ने, सारे आर्टिस्टां ने, पन्न ने पंजाब की जवानी खड़ी करके और दिल्ली की बरूहा ते टंगती बैठे है। अज तक हिक ते गोडा रखे है, यह शिक्षा है। मैं गुरु की शिक्षा दे रहा तुहानू, जे मेरिया मावां अपने अपने ईश्ट के हिसाब नाल, गुरु महाराज ने कहा सारे धर्मां नू अपने हिक नाल ला के रख, सारे वर्ग के लोगों नू अपने हिक नाल ला के रख, सारे नू प्यार कर मुहब्बत कर, जिंदगी च तेरा कोई बाल बिंगा नहीं कर सकेगा। दसवें पातशाह जब नदेड़ की धरती तो गए, उन्होंने एको गल कही सी मुड़ के कि दो चीजा जे करते रहोगे जिंदगी विच कोई थोनू गुलाम नहीं बना सकेगा। पहली गल बाणी का विचार, बाणी पढ़नी अपने ईष्ट के हिसाब नाल, दूजा शस्त्र विद्या। मैनू दसो ये दोनों चीजा आप करते हैं, जे दोनों चीजा अपने पल्ले होणगियां कोई थोनू कौम इस कौम नू गुलाम नहीं बना सकेगी। लेकिन अफसोस यह है कि सानू लोकां दी गोदियां च बैण दी आदत पै गई है। 73 साल हो गए इस देश नू आजाद होए, पंजाब नू आजाद होए। मैं थोनू पुछदा अज दी स्थिति की है, सारे कहिंदे असी वोटां नहीं पाउणियां, आनी मारियां दा योगड़ा जापदियां। मैं जथेबंदे नू यह भी कहिंदे सुने स्टेज ते, एक गंद पाउंदा है, बकवास करदा है, पुट्ठा बोलदा है। मैं कहा जी मैं तो कोई इहोजी गल नहीं कीती, पर मैं थोनू पुछना चाहुंदा मैं की माड़ा कहा। जद तक हुण किसानां नू बचाउणा किवें, पंजाब नू सन्हेरे चों कढ़णा किवें, 3 लाख करोड़ का कर्जा थोड़े ते, कित्थों आने पैसे, इनकम कित्थे, रेते चो इनकम, ट्रांसपोर्ट चो इनकम,
एक्साइज टैक्सेशन चो इनकम 16-16 लाख करोड़ दी है, तुसी जमीना दब रखी है, ये पैसा जाता कितने? मैं थोड़े पक्षों पुछदा कितने पैसा? 52 लाख करोड़ जी इनकम होंगी, पैसा जाता कितने? पुछो जिन्हें तुसी वोटा पाने, पुछो जाके। मैं तो नहीं पुछना, मैं तो फकीर आदमी है, होका दे के जाके अपने रब को बह जाना। तुसी पुछो, कदे गौर किया इस गल ते कि 1 लाख कर्जे थले तुसी सारे बैठे हो? मैं गल्ला हटके कर रहा, सुन लियो जी। लेकिन जे अपनी गल मनाउनी है, जे तुसी अपनियां मंगां चाहुंदे हो पूरियां होण, थोड़ियां गल्लां पूरियां होण, की करना चाहिए दसो, बोलो। कोई किसी को राज ना दे है, कोई किसी को ताज ना दे है, जो ले है अपने निज बल से ले है। ये भी बापू जी कह गए। करना की है? सत्ता ले आओ। मैं गल की जिमीदार सारे वर्ग के लोग, किसान, इन्हों की सरकार बनाओ, थोड़ी सरकार बने, अपने जरनैल पैदा करो। की गल, 117 जरनैल तुसी पंजाब च पैदा नहीं कर सकते? कि इन्हों मावां ने एडा जरनैल नहीं जंबे कि तुसी 117 जरनैल खड़े करके अपनी सरकार बनाओ? मैं दिना थोनू। लेकिन करे कौन? जेड़े बंदे अपनी जमीन बेच देंदे है, पैसे पिछे बिक जाते हैं, उन्होंने को दीन धर्म नहीं होया करते। इस करके पंजाब का यह हाल है। हुण जे सरकार थोड़ी होगी, ताकत थोड़ी होगी, तां तुसी अपने हक आप लाओगे। अंबानी अंडानी कौन होंगे है जिन्हों 300 किले पैली दे रखी गोदाम बनाने वास्ते? जिमीदारा दी बनाओ, कारपोरेशन बनाओ और उन्हां दी जिहड़ी फसल है रखो, असी अपनी फसल अपने रेट ना बेचांगे। कमाल दी गल इह है, चीज मेरी बनाई मैं, मेहनत मैं कीती, ते उहदी कीमत अदा सरकार करेगी, कोई होर करेगा? किहड़ी किताब च लिखिआ दसो? नहीं दिंदे। गोदाम बनाओ, साढ़े गोदामा च रखती फसल NH बेचनी है, लैनी लै जाने जाओ तो पाओ जो यह अनेक गल्लां। ते जे मैं गल कहती, अपना एक लीडर चुनो। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की गल इस करके करदा, करूंगा ते करदा रहूंगा, क्योंकि मैं उस बच्चे नूं अपने हत्थी पालिया। अज उन्हें इत्थे आना सी पर बरगाड़ी गया, उत्थे बोलिया गुरुद्वारे दे विच, सुनियो की बोले। मैं कहा शाबाश है पुत्रा, निकलिया तो सही ना, मेरी अड्डियां किस गई जा जा पंजाब नूं बचा ला, किसानां नूं बचा ला, रब होका दिंदा फिरदा है, मैनू कहिंदा है, अज निकलिया और निकलूगा और पंजाब थोड़े विच विचरूगा। जे प्यार ना नाम मन्ने ता लियो, जे कहला कके चल हरिमंदर साहब, चल दरगाणा मंदिर, चल राम तीरथ जी ते, चल बाबा बुढ़े की कसम खा कि तू और वो जो जरनैल किरणवीर कंग वर्गे या दूजे तमाम बैठे पंजाब च कट्ठे होके अपनी पार्टी बनाओ, किसानों की, मजदूरों की, अपने इलेक्शन लड़ो, सत्ता अपने को लेके आओ, तो अपनिया मंगा ते अपने हक अपने आप को खुद दो। दसो मैं की गलत कहता? दसो मेरे मगर पे तो बोलता बड़ा है, बड़िया गल्लां करता है, पर मैं की गलत कहना? मैं तो थोड़ी गल कह रहा, मैं इलेक्शन लड़नी है, मैं लीडर बनना। जे मैं बनना हुंदा हुण मैं प्रधानमंत्री हुंदा, क्योंकि मैं जम्मिया पलिया सियासतदाना दे विच। पर कहो जे ने इहदा मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उहदे विच मेरे सके फुफड़ की भी गल आउंदी है, रिश्तेदार कल्प दे जां मैं बोलदा, पर बोलदा मैं सच। इस करके याद रखियो जी, मेरी गल पल्ले बन लियो जी,
जे तुसी अपनी सरकार ना बनाई, तुसी अपना लीडर नहीं चुनिया। और बेअंत सिंह दे टाइम में याद रखियो, जदे कहा गया सी वोटां नहीं पाउणियां, ठीक है गंग साहब, 200-200 वोट पै के एमएलए बन गए, 5-5 साल थोड़े ते राज कीता ते नाले थोड़े छित्तर फारे। वोट पाउणी है, अपने आप नूं पाउणी है। गंग साहब मेरी बेनती स्टेज ते आयो, मैं एक जरनैल बुलाउण लग्गिया, इन्हें पता नहीं बोलना कि नहीं बोलना, पर मैं बोलना। यह रोज कहता बस कर, मैं कहा नहीं। यह आदमी है जिन्हें चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल के खानदान पिछे अपना सारा टब्बर, अपनी जिंदगी, अपना ईष्ट लाता, तेन उस परिवार तो की मिलया ठोकरा। क्या जेदा परिवार अमरीका दे विच है ते कल्ला इत्थे इस भरा दे नाल रहिंदा, मैं इहदे कोल रहिंदा, मैं इहनूं जगाया। उठ, जेड़ा नाराज आ मना लांगे, जेड़ा डिग्गिया नूं चक लांगे, जेड़ा चल नहीं सकदा नूं मोढ़िया ते चक लांगे। आ मेरे नाल देखो, इहनूं इह दिखदा तुहानूं, दसो इह तुहानूं सीएम फेस नहीं लगदा? नवजोत सिंह सिद्धू तुहानूं सीएम फेस नहीं लगदा? तमाम चीमा साहब वर्गे बैठे ये तुहानूं जरनैल नहीं लगदे? पैदा करो, कट्ठे करो, नवी कौम लैके आओ, नवी सोच लैके आओ, अपनी सरकार बनाओ। देखो इन्हां वल, आओ देखो, जरनैल बैठे, आ बैठे, आ साडे बुजुर्ग बैठे। क्या बाबा जी मैं गलत कह रहा? लिआओ अपनी सरकार। क्यों बार बार जागे इन्हां दी झोलियां च बहने हो ते मरदे हो ते जलील होने हो? जे हुण भी तुसीं इह कीता, मैनू ना जे कहो, भावें जथेबंदियां होण, भावें कोई पार्टी होवे ते भावें कोई होवे लीडर साहिबान, मैनू किसे दी कोई परवाह नहीं। अख च अख पा के गल करनी है, सच बोलना है, ठक के बोलना है, बेशक प्रधानमंत्री क्यों ना होवे। ये मेरे गुरु ने मैनू सिखाया। इस करके मैं थोनू कह के चले, अज नवी सोच। आ साडे मुलाजम बैठे ने, मैं इन्हां दी गल करनी है। आखा जी जिहड़े रिश्वतां बहुत लैंदे है, फलाना बहुत करदे है, और तुसीं इन्हां दी तनखावां 40-40, 50-50 हज़ार कर रखियां, होया उहदे च परिवार नहीं चलदा, इमान सारा खा चलेगा, ईमान कितों चलूगा? तनखावां करो इन्हां दी 2 लख, 2.5 लख, 5 लख, बच्चे मुफ्त पढ़ावे इन्हां दे, स्कूल मुफ्त पढ़ावे इन्हां दे, CRPF मिलिट्री इन्हां नूं वड्डा करो, पैसा इन्हां ते खर्चो। मैं थोनू लिख के दे दिंदा, एक गंदगी थल्ले नहीं शुरू होंदी, उपरों शुरू होंदी है। सो जे गंदगी मिटाउणी है, पंजाब नूं बचाउणा है, तो मैं होका दे के चलिया, बार बार होका दिंदा रहूंगा। मैं इन्हें बुलंद आवाज च कहा है, जे मेरी आवाज, अकाल पुरख की आवाज, गुरु घर की आवाज, गुरु घर के कुकर आ कुकर की आवाज, थापड़ा गुरुआ का, जे बंद करनी है तो गोली मेरी सिर च मारनी पऊगी। मैं कह रहा जे जरूरत है तो मारियो जरूर, पर जब तक जिउणा सच बोलूंगा ते हिक ते चढ़ के बोलूंगा। मैं अपना पंजाब जगाउणा है, जो ड्यूटी मेरी लगी है गुरु घर वालों, मां मेरी है, भैन मेरी है, धी मेरी है, बुजुर्ग मेरे हो, मैं अपने गुरु के सामने सुरखरू हाँ कि बाबा जी तुसी थापड़ा दे के मैनू तोरिया सी, मैं बोलिया, मैं उच्ची उच्ची बोलिया, मेरे मुंह चो खून निकलता कई बार गल करते करते, पर तुसी मैनू यह नहीं कहना कि मेरे पुत्रा तू गया नहीं, मैं तेरे सामने सुरखरू हाँ, मैं गया जरूर सी, और नहीं मनी ता भी तेरी मर्जी, जे मन ली ता भी तेरी मर्जी। इस करके जाते जाते गल फिर कहना, पंजाब की धरती नू जेड़ा समा चल रहा, बड़ा भयानक चल रहा, बहुत भयानक चल रहा है।
ये भी अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज गुरु घर दे ने। उस भयानक समय नूं रोकना कट्ठे हो सारे वर्ग दे लोग, सारे धर्म दे लोग, सारे जेड़ा रूड़ी ढोंदा है उन्हूं भी हिक ना लाओ, जेड़ा रिक्शा चलाउंदा उन्हूं भी हिक ना लाओ, उहदे चों भी बुद्धि जीव है। हरेक नूं जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा सी, एक नूर ते सब जग उपजो कौन भले को मंदा। एक करो जागो संभालो पंजाब नूं, और मैं तुहानूं शर्त ला के कहना एक नवा सूरज चढ़ेगा जिथे लोग कहणगे भी महाराजा रणजीत सिंह दा राज दुबारा आ गया। मैं कंग साहब नूं बेनती करनी है, जे मैं इहदा चिट्ठा खोलता ना तां मैनूं लगदा बादलां ने आ गए मैनूं पुछणा भाई तूं इह गल्लां क्यों जाणदा, क्योंकि इस भरा ने मैनूं रो रो के दस्सिया जो इहदे नाल होई है, ते जिन्हां ने पुत कहा इहनूं ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ, ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ। ਹਜ਼ਾਰ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੰਗਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਘੁੱਗੀ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ, ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ, ਹੋਰ ਗਣਾਵਾ ਕਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢੋ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਟੂ ਟੂ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਨੋਟ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਗਰਵਾਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਲੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਟਕਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜੰਮੇ, ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੂਠੇ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਗ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
आओ जी कांग्रेस साहब।